एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग हुई थी ISLRTC की, उसके अंदर बोला गया था कि ये जो पोस्ट है ये हेयरिंग और डेफ दोनों के लिए होगी या डेफ लोगों के लिए रहेगी। उसके बावजूद उन्होंने डिक्लेयर कर दी, एडवर्टाइजमेंट डिक्लेयर कर दी और स्पेशली मेंशन कर दिया हेयरिंग के लिए। तो अभी लास्ट ट्यूसडे हम लोगों ने जॉइंट सेक्रेटरी सर से मिलकर मीटिंग भी किया था और उनको बताया कि सारे की जो इसी मीटिंग में हम लोग डिसएग्री हुए थे उसके बावजूद ये एडवर्टाइजमेंट निकल गई है और हेयरिंग के लिए मेंशन किया है। तो अभी कल हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि सर जिनेवा जाने वाले हैं स्विट्जरलैंड मीटिंग अटेंड करने के लिए CRPD की। और आप सबको जैसे कि मालूम है कि इस एडवर्टाइजमेंट की जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो 3rd of September है। तो हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की उनसे फ़ोन पे फॉलो करने की कि द्वारा से आप ये इसको एडवर्टाइजमेंट को चेंज करिए या होल्ड करिए, क्योंकि 3 सितंबर की तो लास्ट डेट है इसकी एप्लीकेशन रिसीव करने की, तो फिर तो आगे प्रोसेसिंग में हो जाएगा। तो फिर इस चक्कर में हम लोगों ने फिर उनको बोला कि अगर ऐसा नहीं आप करेंगे तो हम लोग सर प्रोटेस्ट भी हमें करना पड़े, क्योंकि सब कोई भी डेफ लोग एग्री नहीं है इसके लिए, नाखुश है सारे के सारे। तो उसके बावजूद हमें कोई जवाब नहीं आया, फिर हम लोगों ने आज प्रोटेस्ट किया और पुलिस वालों को भी कल इन्फॉर्म किया और मिनिस्ट्री में भी इन्फॉर्म किया, जॉइंट सेक्रेटरी सर को भी एज वेल हमने लेटर भेजा कि हम लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं। और आज की हमारी जो मेन चीज़ थी कि हमारी डिमांड क्या, वो यही थी खाली कि इसमें डेफ भी ऐड किया जाए पोस्ट के अंदर एलिजिबिलिटी में, कि अगर वो डेफ को नहीं इंक्लूड करते दैट्स मीन कि इट्स कम्प्लीटली डिस्क्रिमिनेशन विद द डेफ पीपल। कि उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया हेयरिंग करके, मतलब वो बिल्कुल साफ नजर दिखा रहे हैं कि वो हमारे साथ किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो हमारी ये डिमांड थी कि इसमें डेफ भी लिखे कि दिस पोस्ट इज सुटेबल फॉर द हेयरिंग एंड डेफ। हम जी इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे साथ ऐसा हो। तो हमने गहलोत जी को भी सर लेटर लिख के दिया, उन्होंने कहा कि आप लोगों को प्रोटेस्ट करना था। उन लोगों ने किस तरह से पुलिस वालों ने सबने मिलकर हमें गीता जी, अनु जी और मैं इंटरप्रेटर एज अ और नारायण जी, हम लोग सब चार लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके हम लोग मिले। गहलोत सर दिल्ली में नहीं है क्योंकि बाहर गए हुए हैं, तो वो इशू हो रहा था कि अब किससे मिले हमें। तो हम लोग अंडर सेक्रेटरी सर से मिले और उनसे बात किया, सारा कुछ उनको बताया कि हम लोग किस पर्पज़ से यहाँ पे आए हैं। और उन्होंने कहा कि ठीक तो है, हेयरिंग लिखा तो है कि पोस्ट सूटेबल है हेयरिंग के लिए, उन्होंने लिख दिया है। तो फिर हमने उनको सारा कुछ बताया कि सर ये डिज़ाइनिंग जो चीज़ है डेफ लोग बहुत अच्छे से करते हैं, ये पोस्ट सूटेबल है डेफ लोगों के लिए। और इसी मीटिंग में, क्योंकि नारायण जी इसी बोर्ड मेंबर्स के मेंबर हैं, तो लेकिन वो नहीं थे वहाँ पे उस दिन इसी मीटिंग के टाइम पे, तो उनकी जगह पे अनु जी ने मीटिंग अटेंड की थी और वहाँ पे प्रेजेंट किया था NAD को। और असली से मैं गई थी एसोसिएशन ऑफ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर से, हम दोनों ने इस चीज़ के लिए बोला गया था कि नहीं हम लोग नहीं चाहते सर किसी के लिए सिर्फ हेयरिंग पर्सन आए, और हमें पता है कि डेफ लोगों के बहुत अच्छे स्किल्स होते हैं और पहले भी आपके यहाँ पे डिज़ाइनर रह चुके हैं जो 6-6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर 1.5 साल काम कर चुके हैं, और डेफ लोगों को पता होता है कि क्या डेफ कल्चर है और चीज़ों से अच्छे से ब्रीफ होते हैं। तो उनके साथ उन्होंने क्या हमें एक्सक्यूज़ दिया कि नहीं नहीं सर हमें डिज़ाइनर के साथ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी। तो हमने कहा, और ये चीज़ जो वहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर है वो हमसे डिबेट कर रही थी कि नहीं यहाँ पे हमें कम्युनिकेशन की दिक्कत हो जाएगी, डिज़ाइनर को कैसे बताएंगे। तो उसके अंदर हमने बताया कि सर कम्युनिकेशन की दिक्कत है ही नहीं, आपके पास इंटरप्रेटर्स हैं। तो उन्होंने कहा हमें अभी मीटिंग के टाइम पे, अभी उन्होंने कहा कि आपने क्या मिनट्स में एग्री हुए हैं, तो हमने कहा कि नहीं हम लोग बिल्कुल एग्री नहीं हुए जो मिनट्स में उन्होंने लिख के भेज दिया, क्योंकि इसी मीटिंग में हमने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा था कि नहीं हम लोग एग्री नहीं है इसके लिए। तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी निकाल दी। तो इन्होंने फिर अभी इन्होंने हमें बता हम लोगों ने बताया कि इसी मेंबर में हम लोग खुद वहाँ पे थे, तो हम लोग आई प्रूफ है कि, और हम लोगों ने इस चीज़ के लिए मना किया था साफ स्पष्ट शब्दों में, बार बार मना किया था, 10 बार ही हमने इस चीज़ के लिए मना किया था। तो उन्होंने हमसे पूछा कि आपकी डिमांड क्या, तो इसे कि हम लोग बिल्कुल शॉक में आ गए थे जैसे ही हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखा कि मल्टी मीडिया डिज़ाइनर की पोस्ट निकली है और उसमें स्पेसिफाई लिख दिया इन्होंने कि दिस इज फॉर द हेयरिंग। तो उन्होंने हमसे पहला क्वेश्चन किया कि आप लोगों ने अमाउंट देखा, तो हमने कहा कि सर हम लोग ने MOM के बाद में जैसे इमीजिएटली, इतनी कभी जल्दी पोस्ट निकलती नहीं, एडवर्टाइज नहीं होती, और आपने एकदम से इमीजिएटली पोस्ट निकाली है, उसके बाद जो हम लोग लिख कर उनको बोल रहे हैं, मेल में भेज रहे हैं, 4-4 एसोसिएशन इसी मेंबर्स के भेज रहे हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं होना चाहिए, और हेयरिंग पर्सन हेयरिंग डिज़ाइनर से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सर कि वो डेफ कम्युनिटी को समझ के वो एब्स्ट्रैक्ट जो डिज़ाइनिंग्स है वो बना पाए, तो वो एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए था, हमने कोई मिनट साइन भी नहीं किए हैं। और आपको पता है जैसे कि इसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 3rd of September, तो अभी डिसीजन हुआ है कि 3rd September तक एप्लीकेशन लेंगे, लेकिन ये होल्ड पे कर देंगे। तो ये जो डिसीजन सारा होगा वो EC मेंबर्स लेंगे सारा कुछ। अब नेक्स्ट EC मीटिंग, उन्होंने पूछा हमसे कि क्या हम लोग दोबारा से EC मीटिंग होल्ड कर
कंडक्ट करवाया और उसके अंदर से दोबारा से ये मुद्दा रखा जाए और डिस्कस होए कि क्या करना चाहिए उसमें, हेयरिंग को डेफ करें या सिर्फ हेयरिंग करें, तो वो दोबारा से मीटिंग रखी जाएगी और जितनी भी एप्लीकेशन आएंगी वो होल्ड पर रखी जाएंगी 3 सितंबर के बाद में, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। फिर जो इसी मीटिंग डिसाइड करेगी फिर वही होगा। सो वी हम लोग अपना हक ले के रहेंगे और सबको शुक्रिया, आप लोग सब इधर आए और हम समझते हैं कि इतने शॉर्ट नोटिस पे सबको इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन बहुत ज़रूरी था कि सर जॉइंट सेक्रेटरी सर जिनेवा जा रहे हैं, उसके बाद में फिर क्या प्रोसीजर होता, कोई डिसीज़न नहीं लिया जाता, तो बहुत ज़रूरी था कि आज ही डिसीज़न लिया जाए क्योंकि कल तो वो चले जाएंगे तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।